जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में। और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अप्रैल मंथ में आने वाले 5 IPO के बारे में। ये 5 IPO अलग अलग सेक्टर से अलग अलग तरह की कंपनीज आपको IPO लाती हुई दिखाई देंगी। तो ये 5 IPO के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें आप लोग निवेश कर सकते हैं। और यार, निवेश करना नहीं करना, इसके लिए जब ये IPOs आएंगे तब मैं एक सेपरेट वीडियो तो लाऊंगा ही। मगर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, मार्च के महीने में जितने भी IPOs आए उसमें से ज़्यादातर IPOs में लोगों को लॉस ही हुआ है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, IPO का जो पहले मतलब होता था, जब पहले IPO आते थे तो लोगों को एक लॉटरी टिकट लगती थी कि भाई लगी तो किस्मत खुल गई, नहीं लगी तो बहुत ज़्यादा दुख होता था कि भाई मेरा भी पैसा डबल हो सकता था। मगर मार्च में जो IPO आए हैं, बहुत लोग इस बात को लेकर पहली बार खुश हुए हैं कि उनका IPO में नंबर नहीं निकला है। तो खैर, ये तो IPO की दुनिया चलती ही रहेगी। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, IPO में पैसा लगाने से पहले कंपनी की हिस्ट्री और कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए और उसके बाद ही उसमें पैसा लगाइए। और वही आज हम करने वाले हैं। तो चलो यार, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले क्या कर रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे? 50,000 सब्सक्राइबर जल्दी से करो ताकि हम लोग लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस ला सकें आपके लिए। और यार, टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर लो, 5,000 बंदे हम टेलीग्राम पे पूरे करने वाले हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला IPO जो हमारे लिए आ रहा है वो आ रहा है दोदला डेयरी लिमिटेड के लिए। अब दोदला डेयरी लिमिटेड क्या है? एक डेयरी कंपनी है जो कि प्राइमरी साउथ इंडियन बेस्ड कंपनी है। अगर आप अमंग्स प्राइवेट डेयरी प्लेयर्स की बात करें तो साउथ के रीजन में इनका बहुत सिग्निफिकेंट एक, अगर आप बोल सकते हैं, पैट आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो एवरेज प्रोक्यूरमेंट, अगर आप रॉ मिल्क पर डे अगर आप देखें तो वो एवरेज 1 मिलियन से ज़्यादा लीटर जो है रॉ मिल्क पर डे जो है निकाल रही है एज ऑफ 31 दिसंबर 2020। तो कंपनी का जो प्रोसेसेस है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, हर टाइप के मिल्क्स वगैरह की, ये जो कंपनी है तो साउथ की एक मिल्क कंपनी जो है लेके आ रही है, जो कि बहुत एक अलग टाइप का आप बोल सकते हैं IPO आपको देखने को मिलेगा अप्रैल के मंथ में। अगर आप कंपनी के प्रोसेसिंग प्लांट्स की बोले तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तो जो मैं बोल रहा हूँ साउथ के रीजन में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ये कंपनी है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर आप देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 3,300 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, 860 से ज़्यादा मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर, तो बहुत ज़्यादा आप बड़ा नेटवर्क वाली कंपनी बोल सकते हैं। फाइनेंशियल कंपैरिजन की बात करें तो अगर आप बाकी कंपनीज से अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो रेवेन्यू बहुत अच्छा दिखेगा आपको, एबिटा मार्जिन काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। तो बाकी सारी जो कंपनीज हैं उनसे कंपेरेबल मार्जिन रेवेन्यू वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो IPO में पैसा लगाना है नहीं लगाना, ये तो हम जो है IPO जब आएगा उसके बारे में बात करेंगे। मगर बाहर भी पैठ बैठाने की, जैसे कि आप देख सकते हैं केनिया और युगांडा में भी पैकेज मिल्क की डिलीवरी करने की इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी आपको आती हुई दिखेगी। दूसरी कंपनी जो हमारे पास आ रही है वो KIMS हॉस्पिटल। सो बहुत दिनों बाद एक हॉस्पिटल बेस्ड IPO हमें देखने को मिलेगा अप्रैल के मंथ में। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये इस KIMS हॉस्पिटल्स का फुल फॉर्म अगर आप बोलें तो लार्जेस्ट कॉरपोरेट हेल्थ केयर ग्रुप है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगर आप यहाँ पे देखें तो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल चेन आप बोल सकते हैं। 9 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इनके अंडर आते हैं और 2,500 से ज़्यादा की बेड कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगी एज ऑफ 31 दिसंबर 2020। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, अलग अलग टाइप के जो इंस्टीट्यूट और जगह जगह पर इन्होंने खोले हुए हैं। कंपनी का एक्सपेंशन काफ़ी फास्ट हुआ है वाइजैग और अंतरपुरा की एरियाज़ में। और अगर आप कंपनीज़ का फाइनेंशियल ऑपरेशन की अगर आप बात करें तो वो आपको बाकी जितने भी ऑपरेशंस हैं उनसे काफ़ी बेटर देखने को दिखाई देंगे, कंपेरेबल देखने को दिखाई देंगे। देखिए, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको जब भी IPO में आप देखने जाएंगे तो आपको अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि कंपनी तभी IPO लेके आती है जब 2 से 3 साल के फाइनेंशियल्स उसके अच्छे होते हैं, तभी उसे अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट और काफ़ी एस्पेक्ट होते हैं, तो उन एस्पेक्ट्स के बारे में हम तब बात करेंगे जब IPO लॉन्च होगा। अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और जो तीसरा IPO हमारा आने वाला है आपको अप्रैल में, वो है सोना BLW
प्रिसीजन फॉर्गिंग्स लिमिटेड, मतलब सोना कैम्स्टर का जो आईपीओ आने वाला है वो एक लीडिंग ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई इंजीनियरिंग, तो एक इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है जिसका ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटिव ओईएम्स हैं वो यूएस, यूरोप, इंडिया, चाइना में इलेक्ट्रिफाइड और नॉन इलेक्ट्रिफाइड पावर ट्रेन सेगमेंट्स में आता है। तो काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं फैला हुआ बिजनेस आप बोल सकते हैं। कंपनी के 9 मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग फैसिलिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया, चाइना, मेक्सिको और यूएसए। बाकी अगर आप ग्लोबल पोर्टफोलियो देखें तो आप देख सकते हैं इन सभी बड़ी कंपनीज़ के ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इसमें अशोक लेलैंड हो गई, जैगवार लैंड रोवर हो गई, तो बहुत बड़ी बड़ी मारुति सुजुकी, रेनॉल्ट, निसान, वॉल्वो, तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ये लोग जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू मैंने पहले ही बोला है, रेवेन्यू ये कंपनियां तभी आईपीओ लेके आती हैं जब रेवेन्यू में दम होता है, रेवेन्यू अच्छे दिखाई देते हैं। तो ये आईपीओ पे आप नज़र रख सकते हैं। जो चौथा आईपीओ आपके लिए आने वाला है वो है सेवन आइलैंड शिपिंग। सेवन आइलैंड शिपिंग एक ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस करती है, क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्ट करती है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। और थर्ड लार्जेस्ट सी बॉर्न लॉजिस्टिक कंपनी है इंडिया की। इंडिया में 2020 में स्पेशली जो इस कंपनी का जो सिग्निफिकेंस बढ़ा है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स में वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। कंपनी का बैकग्राउंड अगर आप देखें तो स्टार्टिंग अगर आप तो 2003 से अगर आप उठा के देखें और अब कंपैरिजन करें तो लगभग 20 गुना की ग्रोथ आपको देखने को मिली है इन सालों में। फाइनेंशियल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिल ही रही है इस सेगमेंट पे। बाकी चीज़ अगर आप देखें तो इंडियन क्रूड ऑयल कंपनीज में काफ़ी एक बड़ी पैठ ये कंपनी जो है वो रखती है। अगला और आखिरी आईपीओ जो हमारे सामने आने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी जो है आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, खैर अब नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा, लोन प्रोडक्ट्स हो गया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लोन्स परचेज वगैरह के लिए हो गए, तो इन चीज़ों के लिए ये काम करती है। कंपनी का लार्जेस्ट अफोर्डेबल एएफसी है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ एयूएम, और 1.5 टाइम्स लार्जर है अपने किसी भी सेकंड पीयर से, मतलब इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे जो भी कंपनी है उससे 1.5 टाइम्स लार्जर ये कंपनी है। और अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोलें तो ब्रांच नेटवर्क काफ़ी अच्छे तरीके से अक्रॉस इंडिया में 12,000 लोकेशन पर फैले हुए हैं। अगर आप इनकम स्प्लिट वाइज देखें तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा जो है बढ़त देखने को मिलेगी। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ जो आपको फाइनेंशियल्स इन आईपीओज के नहीं देखने हैं, क्योंकि हर आईपीओ के फाइनेंशियल्स आपको अच्छे देखने को दिखाई देंगे। कौन से आईपीओ में नहीं लगाना है, लगाना है उसका रिव्यू मैं आपको आईपीओ आने से पहले ज़रूर दूंगा, मगर अप्रैल में इन आईपीओज पे आपको ज़रूर नज़र रखनी है। हो सकता है इनमें से एक दो आईपीओ आपको अच्छे रिटर्न दे दें, मगर मेन फैक्टर होगा कि मार्केट किस हिसाब से बिहेव करता है। अगर मार्केट में करेक्शन जारी रहता है और निफ्टी में और गिरावट आती है तो आप मान के चलिए ये आईपीओज में भी आपको लॉस हो सकता है। तो चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब करके रखो भाई, आईपीओ में लगाने से पहले इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आईपीओ की जानकारी लेने के लिए। ग्रे मार्केट प्राइस वगैरह के बारे में भी आपको सारी अपडेट मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।